आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली डायनेमिक में जो हमारा पहला टॉपिक था मैरिज, और आज वही टॉपिक आगे कंटिन्यू हो रहा है। इसमें है हमारी विवाह की प्रमुख विशेषता यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, कि जो एक शादी है यानी एक जो विवाह है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जिसमें है पहला, विवाह एक मौलिक व सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो प्रत्येक समाज व संस्कृति में पाई जाती है। यानी कि विवाह एक ऐसी मौलिक और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, यानी कि एक ऐसी संस्था जो दुनिया के या संसार के सभी भाग में पाई जाती है। यानी कि जितने भी देश होते हैं सब में ये सार्वभौमिक संस्था यानी कि हर जगह पाए जाने वाली संस्था है, जिसमें प्रत्येक समाज व संस्कृति में पाई जाती है। यानी कि जो अलग अलग समाज हो या हर व्यक्ति की अपनी एक संस्कृति होती है, हर एक सबका अपना अपना धर्म होता है, तो हर धर्म में हर संस्कृति में हर समाज में ये एक विवाह सार्वभौमिक संस्था है जो हर संस्कृति में हर समाज में या हर धर्म में अपने अपने नियमों के अनुसार पाई जाती है। तो विवाह दो विषम लिंगियों का मिलन है, यानी कि जिसमें दो विषम लिंगियों का मिलन होता है जो उन्हें पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराती है। कि जब तक दो व्यक्तियों का या दो विषम लिंगियों का विवाह नहीं हो जाता तब तक वे अपने एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना है तो उससे पहले उन्हें जो एक विवाह है, विवाह की जो संस्था है उसको अपनाना होता है। फिर है हमारी सामाजिक स्वीकृति के बिना विवाह जैसी संस्था का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि देखिए एक जो विवाह है वो एक सामाजिक संस्था है, यानी समाज द्वारा अपनाई जाने वाली संस्था है जो दो विषम लिंगियों को एक मान्यता प्रदान करती है, एक मान्यता देती है कि वो अपने पारिवारिक जीवन को शुरू कर सकती हैं। तो बिना सामाजिक स्वीकृति के यानी कि जहाँ पर सामाजिक जिस विवाह में सामाजिक स्वीकृति यानी कि समाज द्वारा अपनाई ना गई हो वो विवाह मान्य नहीं होता या उस विवाह का कोई महत्व नहीं होता। विवाह प्रजाति व समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है, क्योंकि विवाह के द्वारा ही जब दो विषम लिंग व्यक्ति अपने नए परिवार की स्थापना करते हैं या अपने नए परिवार का निर्माण करते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो प्रजाति की निरंतरता चलती रहती है, साथ ही साथ जो प्रजाति है वह समाज की भी निरंतरता चलती रहती है। फिर आता है विवाह संस्था से उत्पन्न संतान को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी कि जो विवाह जैसी संस्था के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं यानी जो संतान उत्पत्ति होती है तो उन संतानों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है, यानी कि उन्हें समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, वो मान्य होते हैं। प्रत्येक समाज की विवाह पद्धति समान नहीं होती, यानी कि जितना क्योंकि देखिए हर व्यक्ति यानी हर धर्म में विवाह के जो नियम होते हैं वो सबके नियम अलग अलग होते हैं, तो हर धर्म का जो विवाह जैसी संस्था है तो उनके नियम अलग होते हैं। तो इसी तरह प्रत्येक समाज की जो विवाह पद्धति होती है वो समान नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें एक धर्म में या जो नियम एक धर्म में अपनाए जाते हैं ज़रूरी नहीं कि वही नियम दूसरे धर्म में अपनाए जाते हैं। हालांकि समाज जो विवाह है वो एक सामाजिक संस्था है और सार्वभौमिक संस्था है, लेकिन जो इसके नियम होते हैं वो हर एक धर्म में हर एक समाज में अलग अलग होते हैं विवाह के। और लास्ट है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यानी कि विवाह धार्मिक संस्कार के रूप में, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति या दो विषम लिंगी विवाह नहीं करते तथा उनके बाद जो उनकी संतानें उत्पत्ति होती है तो हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि जब तक एक पिता को
पिता का एक पुत्र नहीं हो जाता तथा उसके द्वारा ही मतलब एक पुत्र के द्वारा ही पिता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह विवाह जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं होता तथा उसके बाद उसकी संतान उत्पत्ति नहीं होती, उसके परिवार का विस्तार नहीं होता तथा साथ में वो अपने संतानों के लिए या अपने परिवार के लिए अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाता, तब तक वो सही जीवन नहीं माना जाता। क्योंकि जब एक प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, तो जब व्यक्ति अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाता है तभी उसका एक जो जीवन है वो सफल जीवन बन पाता है। तो इसी तरह एक पिता की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो विवाह भी एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। फिर आता है कि हिंदू एम्स ऑफ हिंदू मैरिज यानी कि जो हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या हैं, कि भारतीय परिवार में हिंदू विवाह को एक आवश्यक धार्मिक कृत्य माना गया है। इसका कारण यह है कि वैवाहिक माध्यम से ही उन सारे कर्तव्यों को पूर्ण किया जा सकता है जिनका हिंदू समाज में विशेष महत्व है। क्योंकि देखिए विवाह एक सार्वभौमिक संस्था भी है और साथ ही साथ वो एक सामाजिक संस्था है जिसमें समाज की मान्यता प्राप्त होती है, समाज के द्वारा उन व्यक्तियों को अपनाया जाता है, समाज में उन्हें एक अच्छा स्थिति बनाने का मौका दिया जाता है। तो कुछ कार्य जो होते हैं पूर्ण रूप से या हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए विवाह जैसी संस्था को अपनाना होता है। तो बोमेन के अनुसार विवाह के मूलभूत उद्देश्य होते हैं यौन संतुष्टि, घर और बच्चों की इच्छा, मित्रता, सामाजिक स्थिति और सम्मान तथा आर्थिक सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना। यानी कि कुछ ऐसे उद्देश्य पूर्ण करने होते हैं जो सिर्फ एक विवाह के बाद ही पूरे किए जाते हैं या जो विवाह के बाद ही मान्यता इन सारे कह सकते हैं इन सारे उत्तरदायित्व को या अपने जो कर्तव्य होते हैं इन कर्तव्यों को सिर्फ विवाह के पश्चात ही पूर्ण किया जा सकता है, जिसमें चाहे घर हो या बच्चों की या संतान उत्पत्ति की इच्छा हो या मित्रता हो, सामाजिक एक हर व्यक्ति की एक सामाजिक स्थिति होती है, सम्मान है या आर्थिक सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करना कि अपने परिवार वालों को संरक्षण प्रदान करना, तो क्या है कि विवाह जैसी संस्था को अपनाना होता है। तो विवाह के कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं जिनको विवाह के पश्चात ही पूरा करना होता है। फिर आता है कि हिंदू विवाह के आवश्यक चरण यानी कि मेन रिचुअल्स ऑफ हिंदू मैरिज, की जो कुछ जो हिंदू मैरिज होती हैं उनके कुछ आवश्यक चरण होते हैं, जिसमें है पहला है कन्यादान। यह विवाह का प्रथम चरण है। इसमें कन्या का पिता वर को अपनी कन्यादान के रूप में देता है और वर से यह आश्वासन लेता है कि वह जीवन पर्यंत उसकी पुत्री के साथ रहकर उसकी रक्षा करेगा और किसी भी परिस्थिति में उसकी पुत्री का परित्याग नहीं करेगा। यानी कि एक आवश्यक चरण ये भी है कन्यादान का कि एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, एक वर को देता है अपनी कन्या, साथ ही साथ उससे कुछ जिम्मेदारियां भी लेता है कि वो उसकी पुत्री का ध्यान रखेगा तथा जीवन में कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आए वो उसको नहीं छोड़ेगा। दूसरा है विवाह होम यानी कि अग्नि को शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। क्योंकि देखिए जब एक हिंदू विवाह होता है तो उसमें जो अग्नि है अग्नि का बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि अग्नि के ही चारों ओर सात फेरे लिए जाते हैं। तो अग्नि को साक्षी मानकर वर वधु विभिन्न प्रतिज्ञाएं करते हैं। तो एक हो गया यानी कि विवाह होम, जिसमें हम अग्नि को पवित्रता का प्रतीक मानते हैं और शक्ति का प्रतीक मानते हैं, जिसको हम साक्षी मान करके विवाह की बहुत सारी विधियां पूरी की जाती है। फिर आ गया पणिग्रहण। पणिग्रहण का अर्थ है कि एक दूसरे के हाथ को स्वीकार करना। वर वधु दोनों विभिन्न मंत्रों का उच्चारण कर परस्पर एक साथ रहने का वचन एक दूसरे को देती हैं।
तो जितने भी विवाह में वचन लिए जाते हैं वो एक दूसरे के अपना हाथ एक दूसरे अपने एक दूसरे के हाथ में देते हैं, और जितने भी मंत्र के द्वारा वचन लिए जाते हैं उन वचनों को पूरा करने का वचन लेते हैं। फिर आता है अग्नि पर्यण। वर वधु अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करके शतायु होने की कामना करते हैं, यानी कि शतायु होने का मतलब ये है कि वे दोनों 100 वर्षों तक एक साथ रह सकें। तो यानी कि वो जितनी भी उनकी आयु होगी वो ये वचन लेते हैं कि अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करके कि अगर उनकी आयु 100 वर्षों तक की है तो वो अपने 100 के 100 वर्ष अपने एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, अपना जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो साक्षी को अग्नि को साक्षी मानकर दोनों विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं। फिर है अश्वारोहण। पत्थर की शिला वर वधु का पैर रखवाना अश्वारोहण कहलाता है, यानी कि जब फेरे लिए जाते हैं तो उसमें एक फेरों के साइड ही यानी जहाँ अग्नि होती है वहीं एक पत्थर रखा होता है, तो उस पत्थर को अश्वारोहण कहलाते हैं, क्योंकि वधु का भाई क्या होता है कि वधु का पैर उठाकर उस पत्थर की शिला पर रखवाता है और तब तक उससे कहता है कि हे देवी तुम इस पत्थर के ऊपर चढ़ो और इसके समान ही तुम धर्म कार्य में दृढ़ रहो, यानी कि आप जो धर्म का कार्य होता है उसमें आप इस पत्थर की तरह ही मजबूत और दृढ़ बने रहो। फिर आता है सप्तपदी। सप्तपदी यानी कि जो अग्नि के साथ फेरे होते हैं उनको सप्तपदी कहते हैं। इस चरण में गांठ बांधकर वर वधु अग्नि के साथ फेरे लगाते हैं और प्रत्येक फेरे में मंत्र उच्चारण के साथ एक प्रण किया जाता है और कुल 7 प्रण किए जाते हैं, यानी कि 7 फेरे लिए जाते हैं। इन 7 प्रण में वर वधु की अनेक आवश्यकताओं जैसे धन हो गया, सुख हो गया, संतान, शारीरिक और मानसिक शक्ति, सहायता आदि का प्रण लिया जाता है। तो जो हिंदू मैरिज है उनमें कुछ आवश्यक चरण होते हैं जो विवाह जैसी संस्था में अपनाए ही जाते हैं। अगर ये चरण हिंदू विवाह में नहीं अपनाए जाते तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो हिंदू विवाह नहीं माना जाता। तो कुछ ऐसे आवश्यक चरण होते हैं जिन्हें हिंदू विवाह में अपनाना ही होता है या विवाह में अपनाना ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये मैरिज का हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है।